हैशटैग जस्टिस फॉर कबीर, ये पोस्टर शायद आपके सामने से गुजरा होगा लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा कि आखिर ये है कौन जिसके लिए जस्टिस की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द चौपाल। एक युवा नेता जो अभी उभर ही रहा था, एक युवा नेता जो सबको प्रिय था, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों को भी भाता था, इसे दो युवकों ने मिलकर गोलियों से भून दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर चाय की दुकान पर खड़े थे। इस दौरान दो हमलावर कबीर के पास पहुंचे और पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद बेहद नज़दीक से उन्हें गोलियों से भून दिया। इसके बाद कबीर को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में ही कबीर ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हमलावरों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया जो पिस्टल फेंक कर छुपने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। कबीर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे और युवाओं में इनकी काफ़ी लोकप्रियता थी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से बस्ती जिला हिल गया। शांति में रहने वाला बस्ती उबल पड़ा। बस्ती जिले में जमकर उत्पात मचा, गाड़ियां तोड़ी गईं, बसें रोकी गईं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखी। दरअसल पुलिस के रवैये पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा जिसे पुलिस अपनी कामयाबी बता रही है। हालांकि दोनों आरोपियों ने अपना अपना गुनाह भी कबूल कर लिया लेकिन मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी नाबालिग भी हैं। आरोपियों का कहना था कि कबीर उनसे पैसे की मांग करते थे इसीलिए उन्होंने गोली मार दी, लेकिन कबीर के समर्थकों को इसमें कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। कबीर के चाचा ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह सहित अक्षय प्रताप सिंह, अभिजीत सिंह, मोहम्मद शाद, साहिल सिंह, इमरान और दो अज्ञात लोग शामिल हैं। वहीं बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी भी बस्ती पुलिस पर जमकर बरसे, पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा किया। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मांग की कि उनके खिलाफ 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की है। शुक्रवार को योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी कबीर तिवारी के पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उच्च स्तरीय जांच की बात कही। वहीं जब इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की बात की गई तो सपा के पूर्व प्रवक्ता का एक बेहद घटिया बयान सामने आया। सपा के पूर्व प्रवक्ता जीतू वर्मा को जातिवाद नजर आ रहा है। दरअसल इस घटना को लेकर सपा के क्रांतिकारी प्रवक्ता ने कहा कि ये असली जातिवाद, कबीर तिवारी की हत्या की जांच होगी, पुलिस के रवैये की जांच होगी, पुष्पेंद्र यादव की हत्या की जांच नहीं होगी क्योंकि वो एक निचली जात से थे, वो एक यादव थे। सपा के प्रवक्ता का बयान किसी नीच मानसिकता से कम नहीं है। हालांकि इन महाशय को सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर घेरा। कबीर तिवारी की हत्या के बाद बस्ती शहर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद बस्ती आए एडीजी अभियोजन ने दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी बस्ती शहर का भ्रमण किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीजीपी मुख्यालय से आए आईपीएस अफसर एस आनंद भी मौजूद रहे। कबीर के समर्थक शुक्रवार को कैंडल मार्च निकालना चाहते थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस कैंडल मार्च को रोकने की कोशिश की, आयोजकों से बात की लेकिन वे पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने जब सख्त रवैया अपनाया तो उन्होंने कैंडल मार्च को स्थगित किया। दरअसल कबीर तिवारी हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस के हाथ आरोपियों के अलावा अभी तक खाली हैं। अभी तक ना तो हत्या की वजह का पता चला है और ना ही हत्यारों के सरगना का। इन सब में बस्ती पुलिस सवालों के घेरे में थी जिस पर योगी सरकार ने कार्रवाई भी की है, पुलिस का तबादला किया, डीएम को भी ट्रांसफर किया। दरअसल पुलिस पर इस पूरी घटना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप है। वहीं कबीर के घर पहुंचे कानून मंत्री ने उनके परिजनों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। कानून मंत्री ने कहा कि वह इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएंगे, इसमें पुलिस की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। हालांकि इन सबके बावजूद बस्ती ने अपने एक उभरते नेता को खो दिया। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर ललित कुमार, देखते रहे द चौपाल।